सेंट्रल बैंक के मैनेजर पर 8,000 रुपए निकालने का आरोप, कलेक्टर से की शिकायत। शिवपुरी के कलेक्टर जन सुनवाई में आज एक युवक ने एक खाते से पैसे निकालने की शिकायत की है, वहीं उसने सेंट्रल बैंक के मैनेजर पर आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार हरनाम सिंह ने बताया कि उसका भाई विजय सिंह पुत्र राम राजा चौहान निवासी ग्राम दुलही मनपुरा के सेंट्रल बैंक शाखा के मैनेजर ने उसके भाई के खाते से 8,000 रुपए बिना ओटीपी और बिना मर्जी के निकाल लिए हैं। वहीं उसका भाई मेहनत एवं मजदूरी का कार्य करता है और अहमदाबाद में रहता है। भाई बीमार होने के चलते वह जनसुनवाई में नहीं आ सका एवं इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसके पैसे वापस दिलाए जाएं और मैनेजर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। आपका? मेरा नाम विजय सिंह है, आ रहे थे हो दुलही में रहता हूँ। क्या समस्या लेके आया? ये समस्या है कि हमारे भाई हरनाम सिंह बीमार पड़े हैं साहब घर पे। हम पूरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे है, तो बैंक मैनेजर ने अभी 8,000 रुपया निकाल लिए हैं। हमारा भाई गया अभी नहीं, बेचारा अहमदाबाद मजदूरी करता है। तो जो सम्मान निधि आती है, एक बार माता जी खाते में से निकाल लिए, एक बार हमारे ज्वाइंट खाते में से निकाल लिए 6,000 रुपया है, तो पता ही नहीं चलता। कम से कम सूचना देना चाहिए है। और हम जाते हैं, धक्का दे के बैंक मैनेजर भगा देता है। अब जीपीएस साहब वो अपनी जेब में रखता है या कहाँ करता है कोई पता नहीं है। पैसे निकालने के लिए तो अंगूठा और साइन वाइन कुछ भी नहीं साहब, पता ही नहीं चला। हम नहीं गए बैंक में, हमारा आधार लिंक खाता है, तो आधार लिंक से मतलब जिस सेंटर पे निकल जाता पैसा, तो उन पे जाते हैं तो कहते तुम्हारा पैसा गायब, तुम्हारा पैसा गायब। क्या पता साहब शिकायत की थी जो जन सुनवाई में आए हैं, अब कोई होगी कार्रवाई माने। और वहाँ बैंक में तो बोलते नहीं है, भगा देता है, कहता है तुम हटो यहाँ से। हमारे अलावा और किस किस के खाते में? हमारे माता जी खाते में से निकले, दो ज्वाइंट खाते में से निकले, नारायण सिंह और संतोष सिंह के में से, और हरनाम सिंह विजय सिंह के खाते में से निकले। सभी के खाते में से सभी के सम्मान निधि आती है शासन की योजना का, और ये बैंक मैनेजर निकाल लेता है। सेंट्रल बैंक मनपुरा मनपुरा नाम क्या मैनेजर का? मैनेजर का नाम तो पता नहीं है साहब, मैंने।